हेलो जी, मैं आपकी अपनी विलेज ब्लॉगर शिखा और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब लोग कैसे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अभी मैं बनाने जा रही थी चाय और इवनिंग का टाइम है, बाबू जा रहा है कोचिंग तैयार होके। और पता है बाबू इस बार ना हाई स्कूल में है, तो उसका भी एग्जाम आने वाला है। कब से है बाबू एग्जाम? 16 फरवरी से है ना? 16 फरवरी से है और एडमिट कार्ड अभी नहीं मिला, मिलने वाला है। उसका जी तो धक धक कर रहा होगा, पता नहीं कैसे होगा एग्जाम। और सही बात है, जब पता है 10 में रहो या तो फिर इंटर में रहो ना, तो इतना डर लगता है कि कैसे होगा एग्जाम। लेकिन पता है नारायण की कृपा से सब अच्छे से हो जाता है। एक एग्जाम मतलब अच्छे तरीके से हो जाएगा। पढ़ाई भी अच्छे से करनी पड़ती है, जम के एकदम मेहनत करनी पड़ती है। पता नहीं पड़ता है कि नहीं, और बोलता तो रहता है कि मैं पढ़ता हूँ, लेकिन रिजल्ट आने पे पता लगेगा। और अभी मैं बनाने जा रही थी चाय, पता है अभी मैंने बर्तन नहीं धुला और शाम के 4:30 बजे हैं। अभी मैंने तुरंत तुरंत झाड़ू लगाया है। मैंने सोचा कि आप लोगों से भी थोड़ी सी बातें कर ली जाए। और अभी मैं जा रही थी बर्तन धुलने, मैं बर्तन धुल लूंगी उसके बाद मैं पकाऊंगी चाय, तो आप लोगों को दिखाऊंगी। और फिर पीछे साइड ले जाना है, मम्मी बोली है बाबू से कि जाओ शिखा को बोल दो जल्दी से चाय पका के पीछे साइड दे। और पता है मम्मी आज नहाई भी नहीं है, खाना वगैरह कुछ भी नहीं खाई है। सुबह सुबह ना मैंने ब्रेकफास्ट में हलवा बनाया था और हलवा चाय मम्मी बस वही खाई है और अभी कुछ भी नहीं खाई। मैं बोली थी कि नहा लीजिए, लेकिन बोली कि नहीं, मिस्त्री यानी मेरे मौसा जी और जो दादाजी हैं उनके साथ में रहना एक लोगों का बहुत ज़रूरी है। बाबू तो है अभी समझदार नहीं है, छोटा सा है तो बहुत सारा काम पीछे साइड पड़ जाता है, तो मम्मी इसलिए आज नहीं नहाई। बहुत सारा काम मम्मी को मेरे पड़ जाता है, पापा भैया रहते नहीं, सारी जिम्मेदारी मम्मी के मत्थे पे होती है। इसलिए प्लीज़ यार आप लोग अच्छे से सपोर्ट करिए। आप लोग सपोर्ट करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत 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 ज़्यादा। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना सपोर्ट करने के लिए, और अपना प्यार सपोर्ट लगातार मुझ पर इसी तरीके से बनाए रखिए। तो बहुत बातें कर ली मैंने, कुछ काम भी कर लिया जाए, उसके बाद चलती हूँ पीछे साइड तो आप लोगों से मिलवाती हूँ वहाँ क्या चल रहा है, कैसा काम है, आज कहाँ तक बना, सब मैं दिखाती हूँ आप लोगों से। और वो देखिए मैंने चाय रखी है पकने के लिए और बर्तन बर्तन मैंने सारा साफ कर दिया, कपड़ा भी निकाल लिया चाय रखने के बाद, और अब चाय लेके जाऊंगी। और ये देखिए छोटी छोटी ग्लास, और चाय लेके जाऊंगी, इसी में सबको देना पड़ता है और सब लोग वहीं पे चाय पियेंगे। तो चलिए चलते हैं पीछे साइड, वहीं पे बातें करते हैं थोड़ा सा। और मैं आ गई हूँ पीछे साइड चाय लेके। मम्मी वो देखिए दादाजी के लिए और मौसा जी के लिए चाय निकाल रही हैं, और वो देखिए मौसा जी बना रहे हैं। आज यहाँ से स्टार्टिंग हुई है दीवार की, यहाँ से वहाँ तक पूरी बनी है, अभी थोड़ा सा और बचा है, तो जाते जाते शायद जो भी कमी है 2-3 रद्दे की वो पूरी हो जाएगी, तो और बाकी बाद में बनेगी। अभी उधर भी एक साइड बनाना है और बहुत सारी है। ये देखिए नीचे बीन बंधी है, इन सब में भी ईंट लगाना है, मतलब उठाना है, तब जाके पूरा होगा अच्छे से। मौसा जी चाय पी लीजिए, चाय पी लें दादा, नहीं ठंडी हो जाए। और आइए आप लोग भी चाय पी लीजिए, हम लोग यहीं पे पियेंगे, मैं भी यहीं पे पीऊंगी क्योंकि घर में कोई रहता नहीं, अकेले अच्छा नहीं लगता, सबके साथ में ठीक है, यहीं पे मैं भी पी लूंगी। और अभी सब लोग जा रहे हैं पीने चाय। होने वाली है शाम, काम बंद होने वाला है कुछ टाइम बाद, कुछ टाइम मतलब 10-5 मिनट और 1-2 लाइन है, उठा लेंगे मौसा जी, फिर काम वगैरह बंद हो जाएगा।
और आप लोग अच्छे तरीके से सपोर्ट करिए। अभी तो मैं यूट्यूब से इनकम नहीं कर पाती, उससे मेरी इनकम नहीं होती। अगर आप लोग अच्छे तरीके से सपोर्ट करेंगे, अपना प्यार और सपोर्ट मुझ पे बनाए रहेंगे, तो मैं एक ना एक दिन जरूर अच्छा खासा पैसा इससे कमाऊंगी और फिर ये घर बहुत अच्छे से बनवाऊंगी और फिर इसका नाम होगा यूट्यूब हाउस। बहुत अच्छा लगेगा इसका नाम। और आप लोग अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना भी ख्याल रखिए।